हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और तैयारी आपकी अच्छे तरीके से चल रही है। आज के इस सेशन में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। इसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी हैं आपके, ठीक है। एलिगेशन से रिलेटेड जो सिंपल इंटरेस्ट में बनते हैं सवाल वो भी हैं, और भी बहुत सारे टाइप जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टाइप वाइज अरेंज करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और आप देखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर पाए। कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी हैं जो सिर्फ 3 से 4% लोग ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए थे, तो वो भी डिस्कस करूंगा। और उन्हें करने की छोटी सी छोटी ट्रिक क्या हो सकती है कि देखते ही आप उनसे मार्क कर दें, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो देख लेना पूरी वीडियो। सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि जनरली ये टॉपिक बच्चों का वीक रह जाता है। इससे पता नहीं डरते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से, लेकिन जब आप का एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको मजा आएगा करने में। पूरी क्लास देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक में काफी बढ़ जाएगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चैप्टर वाइज वेटेज सभी टॉपिक्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और हर एक शिफ्ट में एवरेज में कितने क्वेश्चन थे। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपको इस तरीके की, तो वो देखते रहिए, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल, जो पैसा आप ब्याज पे देते हैं उसे जनरली हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, कंसेप्ट ही रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एक होता है हमारा प्रिंसिपल, जिसे आप मूलधन मानते हैं या कई बार सम लिखा हुआ आता है, जो आप पैसा ब्याज पे लगाते हैं, ठीक है। फिर होता है एक रेट, किस ब्याज दर पे आपने पैसा दिया, ये जनरली पर ईयर के हिसाब से देखा जाता है, तो पर एनम आपको वर्ड दिखेगा वहां पे देखने के लिए। और एक होता है टाइम, कितने साल के लिए दिया, जनरली ये ईयर्स में होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, ब्याज की दर जो है, इंटू में टाइम। अगर रेट परसेंटेज में दे रखा है तो आपको ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल रेट परसेंट क्या होता है, 1/100 ही होता है, इंटू में टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसी को यूज करके हम सारी चीजें करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको और उसे कैसे देख सकते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला बहुत ही रेयरली आपको कहीं दिखेगा यूज करेंगे, हम डायरेक्टली ओरली कर रहे होंगे सारे सवाल, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है कितना, 2000 रुपीज है मेरे पास, ठीक है। रेट मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे पास है 5%, टाइम मैंने ले लिया से 3 इयर्स, सारी अजीब सी वैल्यू ली है जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत ना आए आपको। आपसे पूछ सकता है भैया ये बता दो कि मेरे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आपसे पूछ सकता है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होता है जो आपको टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पैसा मिलता है, तो उस अमाउंट कहलाता है मेरा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला मैं पूरा का पूरा लगा लूंगा, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू ये टाइम इयर्स में कर लो, 3% गलती से लिख दिया, तो आपके पास यहां पे वैल्यू आती है 2000। अगर रेट परसेंट 5% है तो 5/100 इंटू में टाइम आ गया मेरे पास 3, तो मेरे पास 20 इंटू में 500 इंटू में 3, 300, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछे मुझसे तो प्रिंसिपल था 2000 और इसमें अगर 300 को और जोड़ दूं तो ये वाली वैल्यू हो जाती है 2300। ये आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं कि क्वेश्चन को और कैसे देख सकते हैं। जनरली हम प्रिंसिपल जो होता है ना अपना, उसे 100% मान के चलते हैं या फिर आप 100 रेशियो मान के चलते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा 100% की वैल्यू मेरे पास 2000 रुपीज है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लास्ट के 2 जीरो हटा ले दिए या फिर पीछे से जाओगे, 2 वैल्यू के आगे पॉइंट लगा देना है। तो मैंने कहा 1% मेरा हो जाएगा 20 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना। आप कहेंगे सर ब्याज की दर है 5%, टाइम है 3 साल का, तो कितना हो गया टोटल, 5 × 3 = 15%, यही हो गया 5% हर साल ब्याज मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, तो 5 या 15% मुझे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1% 20 के बराबर है, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 × 20 और ये वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 300। ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहां पे निकाला। दूसरी चीज, अगर मुझसे अमाउंट पूछता डायरेक्टली, एक तो है ही कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा अमाउंट मिल जाएगा, वरना मैं अमाउंट को इस तरीके से भी देख सकता था। मैं कहता अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो
मैंने देखा यहाँ पे रेट इंटू टाइम 5% इंटू 3 15% तो मेरा ब्याज है, प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, तो क्या अमाउंट मेरा 115% हो जाएगा, और 115% क्या हो जाएगा मेरे पास 1% 20 के बराबर, तो 115% 115 गुना में 20, तब भी मुझे यहाँ पे 2300 मिल जाएगा। क्या इस तरीके से भी सोच सकता हूँ? बस ये सोचने का तरीका है, और हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे, मैं कभी भी दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा, क्लास हमारी स्पीड में चलेगी, क्वेश्चन सेकंड्स में हम खत्म करेंगे, लेकिन ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जहां जहां और कंसेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको साथ के साथ ब्रीफ करता रहूंगा। सबसे पहला सवाल मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6700 रुपीज पे 13 मंथ्स में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब ध्यान रखो यहां पे हमें क्या दे दिया, मंथ्स में दे दिया, जब भी रेट दे रखा है हमें पर एनम दे रखा है, मतलब साल के हिसाब से दे रखा है, तो हमारे पास आप कहेंगे सर इफेक्टिव ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 12% है मेरे पास यहाँ पे, 12 इंटू में 13 तो एज इट इज में कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12% इंटू में 13, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये मंथ्स में ईयर में करना होगा तो मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे टोटल जो ब्याज मिलेगा सारा मिला जुला के वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये कट गया, मुझे मिलेगा 13%। ठीक है, अब मेरे पास प्रिंसिपल कितना था, इतना था, 100% को हम ये मानते हैं तो 1% कितना हो जाएगा डायरेक्टली, आप कहेंगे सर 20 हटा दो, ये आ गया 67, और मुझे निकालना है 13% का मान, तो 13% किसके बराबर हो जाएगा, 67 इंटू में 13, 37 जो 91, 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 678 और 987। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? हो सकता है अभी आपको लग रहा हो सर ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया आपने परसेंटेज में, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल लेता, लेकिन आगे हर बार फॉर्मूला नहीं लगाना, मन मन में सारा काम होगा और बहुत जल्दी हम आंसर निकालेंगे। अभी के लिए आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, ये ध्यान रखना इयर्स में होना चाहिए, ये इंटरेस्ट पर एनम होना चाहिए, तब हमारा फॉर्मूला होता है, अगर कुछ भी चेंज करा मंथ करा तो हमें इसे ईयर में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 12 से कर दिया डिवाइड, तो हमें उस हिसाब से लेना है। चलें आगे, बाकी इस क्वेश्चन में तो और भी चीजें शायद देखी जाती, यूनिट डिजिट से तो नहीं होता, दो ऑप्शन की सेम आ रही है, बट चल हमसे पूछा है कितने सालों में ये पैसा बन जाएगा इतना एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे निकालने के लिए, आप कहेंगे सर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितना, कितना ब्याज मिल रहा है मुझे इसमें से, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मेरे पास इस वाली वैल्यू में से घटाना है 28 तो एजीटीज आ गया, फिर 9 में से 4 को घटाऊंगा तो मेरे पास 5 बचेगा, 11 में से 8 को घटाऊंगा तो बचेगा 3, इतना मेरा ब्याज है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल 100% का मान ये, 1% का मान कितना हो जाएगा, 20 हटा दी तो 84, रेट है मेरे पास 7% तो 7 और इंटू में, क्या मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, वही कराया मैंने, बस 7% था तो डिवाइड बाय 100 आता तो 20 हटा दी, वरना मैंने कहा 1% का मान मेरा इतना होगा तो 7% का मान कितना होगा, इतना होगा, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से मैं टाइम का मान निकाल सकता हूं। अब सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल, आप चाहो तो काट लो, वरना देखो 7 4 जा कितना होता है 28, यूनिट डिजिट आई 8, 8 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 8 मिले, आप कहेंगे सर या तो 1 से करना पड़ेगा या 6 से करना पड़ेगा, इवन वैल्यू के केस में दो चीजें बनती हैं, मेरे पास 1 तो ऑप्शन में नहीं है तो 6 ही होना चाहिए और यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चले आगे, अगला सवाल मेरे पास, कितने सालों में ये बन जाएगा इतना एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। अब डायरेक्टली करेंगे, देखो इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये तो 28 एज इट इज मिल गया, 89 में से 72 घटाया तो मेरे पास बचा 7, ये तो प्रिंसिपल हो गया मेरा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 7200 प्रिंसिपल है, 1% हो गया 72, 8% हो गया 72 इंटू में 8, ये मेरा क्या टाइम को बता देगा, ये मेरा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम तो इसके बराबर था तो मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया। अब फिर से देखो 2, 5, 3 एंड 4 क्या आंसर आ सकता है, यूनिट डिजिट से डायरेक्टली करें, 8 2 16 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं 8 मिल जाए, आप कहेंगे सर या तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 8 से, ऑप्शन में क्या दे रखा है मुझे 3 दिख रहा है तो यही आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई सोल्व नहीं करना,
ये सारी चीजें मन मन में आपकी होनी चाहिए। कहता है प्रिंसिपल क्या होगा मेरा जिससे मुझे 2 साल में 9.5% ब्याज दर से अमाउंट बन जाए इतना। प्रिंसिपल को तो आप 100% मान लेंगे, 2 साल 9.5% के हिसाब से कितना बन गया 19%, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये बन गया 119%, ये हो गया मेरा अमाउंट। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 21420 के, 21420 हमें किसका मान बताना है 100% का। आप ध्यान से देखिए, मेरे पास ये इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, वैसे 100% निकालेंगे तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी ना, डिवाइडेड बाय 119 × 100। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है मेरा डायरेक्टली इससे कटना चाहिए क्योंकि इन दोनों में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मेरा आंसर क्या होगा, आप फिर से यूनिट डिजिट से कर लो, 9। इस 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 आ जाए। आप कहेंगे सर 8 से ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास 10, 20, 30 ये तो आ गए, तो जो मेरा आंसर होगा उसके लास्ट में 800 तो होगा। चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया, 10 और थी, क्लियर है या नहीं यूनिट डिजिट से। अब ये सारी चीजें बस समझाने के लिए लिखी जा रही है, 119% ये सब, वरना डायरेक्टली एग्जाम बेस्ड अप्रोच, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिखना होगा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना भी नहीं लिखना, बस ये वाला फैक्टर लिखोगे आप और इसी से आप अपना आंसर बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपसे होगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है मेरे पास इतने रुपए हैं, जब मैंने इसे इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए तो ये बन गए इतने। हमें बताना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे आप, प्रिंसिपल दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है, ठीक है, सोल्व भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास देखो ब्याज कितना मिल रहा है, पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लो, 66 में से 56 को घटाऊंगा 10, 23 में से 14 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 9। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1456, मेरे पास टाइम है 10 ईयर्स, और रेट अगर निकालूंगा तो आर बाय 100 हो जाएगा। सोल्व करके मुझे आर का मान निकालना है, तो आप देखेंगे 10 से 10 कट गई, ये इधर चला जाएगा, मेरे पास वैल्यू आई 9100 / 1456, ये मेरा रेट का मान है। अब ऑप्शंस भी दे रखे हैं, देखो ऑप्शन भी क्लोज है, 6.15, 6.5, 6.25 और ये, और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट में आंसर चला जाए, ठीक है, एग्जैक्टली ना आ रही हो परसेंटेज में वैल्यू, तो अब हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर चलो काट के देखते हैं, 91 मुझे पता है 13 × 7 होता है, तो यहां पे पहले मैं 7 से काट लेता हूं, तो 208 आ गया, 13 से 208 कटेगा क्या, कट जाएगा 16 टाइम्स, तो मेरे पास 100/16 बचा। ये तो हमें पता है किसके बराबर होता है, ये वाली वैल्यू ये होती है 6.25 के बराबर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6.25%। चले आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर हमने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, वो पैसा है 1040 और वो बन जाता है 1.5 ईयर्स में 1230। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें से वो घटाएंगे, तो 30 में से 40 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 90, और फिर 11 में से 10 घटाऊंगा तो 1। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो 1040 इंटू में आर बाय 100 इंटू में टाइम है मेरे पास 3/2। इसे सोल्व करके अपना आंसर बताना होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि मुझे डायरेक्ट 19 का फैक्टर इधर दिख नहीं रहा। चलिए करते हैं सोल्व, ये कट गया मेरे पास, 2 से काटूंगा तो ये 52 आ गया, अगेन 5 आ जाएगा ये, और मेरे पास यहाँ पे 26, और फिर यहां से काट दूं तो 13, और ये बचेगा 95। तो मेरे पास रेट हो गया 95 × 5 475, और यहाँ पे मेरे पास डिवाइडेड बाई 3 × 39 चार ऑप्शन में है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पहले 1 जा जाएगा, फिर 85, 2 जा, फिर बचेगा 7/39। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दिख रहे थे तो करना पड़ गया हमें, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे तो कैलकुलेशन से घबराइए मत। कहता है कितने टाइम में, ईयर्स में बताना है, राउंडेड ऑफ टू 2 decimal places, हमारे पास 10800 रुपीज बन जाएंगे 24800 अगर हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पे
देते हैं 15.5% पर एनम के हिसाब से। अगेन वही चीज़ है, लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर कितना दे रहे हैं हम, इतना मिल रहा है, डिफरेंस कितने का हो गया उसमें से घटाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 14,000, प्रिंसिपल टोटल है 10,800, ठीक है, तो 100% इतना, तो 1% कितना हो जाएगा 108, ठीक है, आर की दर से 1 साल का ब्याज हो गया इतना, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15.5। हमें टाइम बताना है, टाइम को मान लिया टी, सॉल्व करेंगे अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो मेरे पास ये 31/2 बचेगा, और इसे काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 54। आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए 2 से काट सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 27 बचेगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 7,000 बचेगी। देखो यहाँ पे हमें पूरा ही सोल्व करना है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज दे रखे हैं वो भी करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 7,000। अब 31, 27 किसी से नहीं कटेगा ये, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 27 और 31 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो या तो 27 का टेबल यूज कर लो, 1 जा 27, 3 जा मेरे पास 81 और 2 83, वरना आप ये भी कर सकते थे 27 और 31 के बीच में आता 29, 29 माइनस 2, 29 प्लस 2, तो 29 स्क्वायर माइनस 2, तो 841 माइनस 2 का स्क्वायर डेट इज 4, 841 माइनस 4 तब भी ये मिल जाता। अब ये वैल्यू बतानी है, देखो चारों ऑप्शन में खास बात ये है कि 6, 7, 9 और 8, हम तो हमें फर्स्ट फर्स्ट डिजिट मिल जाए तो हमारा काम वहीं पे चल जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 8 को 9 से करूंगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है, 8 से करना पड़ेगा। अगर इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7,000 से थोड़ी छोटी की वैल्यू आएगी, तो मेरा आंसर 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये चीज हमें समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम ए मार्क करेंगे और आगे चले जाएंगे, ठीक है, इतनी तो हमें अपनी स्पीड बना के रखनी है। चलता हूं आगे, कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, अगर रेट 7% हायर होता तो मुझे 1,512 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते, तो हमें बता दो कितने पैसे थे। देखो प्रिंसिपल को अगर मैं सही मान लूं या 100% मान लूं, तो 6 साल के लिए हम दे रहे और ब्याज 7% ज्यादा मिलता तो कितना मिल जाता। आप कहेंगे सर 6 × 7 या 42% प्रिंसिपल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता। 42% किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1,512 को ही रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमें 100% का मान बताना है तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 1,512/42 × 100। अब कोई अप्रोक्स वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा और एग्जैक्ट वैल्यू में हमें वैल्यूज भी दिख रही हैं, तो पहले तो हम 2 से काट देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये बचा 21 और मेरे पास ये वाली वैल्यू बची 7, 5 और 6। अब देखो ये यूनिट डिजिट वन है, 21 इसे तो काट पाएगा नहीं, तो 2 जीरो तो आएंगी आएंगी। 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 आ जाए। आप कहेंगे सर 6 से, तो जो भी आंसर होगा लास्ट में 600, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता है, एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया। चले आगे, इसे अगर आप बेसिक से करना चाहते तो आप इसे इस तरीके से करते, आप कहते सर प्रिंसिपल है, रेट को हमने क्या कर दिया 7% से बढ़ा दिया इनटू में टाइम, और इसमें से घटा दूंगा मैं जो मेरा प्रिंसिपल है इनटू मेरे पास आर इनटू में टाइम, आर परसेंट इनटू में टाइम, ये वाली वैल्यू मेरे पास आती 1,512, ठीक है। अगर आप यहां पे सोल्व करते तो पी आर टी यहां से कट जाता, तो मेरे पास बचता पी इंटू में 7% इंटू में टाइम था मेरे पास 6 साल का, और ये वाली वैल्यू आती इसके बराबर। ये वही चीज थी लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया, इसका बेसिक वर्जन ये है, जो नए हैं उन्हें समझना आया तो वो इस तरीके से देख सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास कहता है डिफरेंस बता दो सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या होगा जब मैं 500 रुपए को 5% पर एनम से 3 साल के लिए ब्याज पे लगा रहा हूं, या फिर 4% पर एनम से 4 साल के लिए ब्याज पे लगा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 5% इंटू में 3, 15%, यहाँ पे 4 × 4, 16% ब्याज मिल रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1% के बराबर। प्रिंसिपल 100% अगर 500 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 2 जीरो हटा दो लास्ट की, 5 के बराबर, यही आंसर है। अगला सवाल मेरे पास, 5,000 रुपए हैं 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए 15% के हिसाब से, दूसरा 8,000 रुपए है इसे 12% के हिसाब से 4 साल के लिए ब्याज पे दिए, पॉजिटिव डिफरेंस बताना है जो इंटरेस्ट आएगा उनमें।
आप देखेंगे यहाँ पे 5000 100% अगर 5000 को रिप्रेजेंट करता है तो 1% 50 को करेगा, तो फर्स्ट केस में ब्याज कितना मिलेगा 50, 15% 3 साल का, तो 15 × 3 45 टोटल ब्याज इतना मिलेगा। सेकंड केस में 80 4 ईयर से 12% के हिसाब से, तो 80 × 12 × 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इनका डिफरेंस बताना है तो वैल्यू निकाल लो पहले तो, ठीक है। तो ये तो 2250 आ गया, ये वाली वैल्यू 8 × 64 38 ये बड़ी है, इसमें से ये घटा दो तो मेरे पास यहाँ पे 10 और 16, दिस इज माई आंसर। नहीं एक सेकेंड, ये 4 है तो 9015। अगला सवाल हमारे पास, कितने टाइम में 5000 रुपए पे 4% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो बराबर होगा जो 8000 रुपीज पे 2.5 ईयर्स में 8% के हिसाब से मिलता है। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 1% 50 के बराबर, ठीक है 4% 50 × 4 200 के बराबर, टाइम मैं मान लेता हूँ टी, तो टोटल इंटरेस्ट बन गया इतना। सेकंड केस में 80 है, 80 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो गया, 200 × 8 ये इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड केस में। आप देखेंगे यहां से कंपेयर कर लो, 200 से 200 कट गया, टाइम आ गया मेरे पास 8 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए डायरेक्टली। कहता है कि 7200 पे 3 साल के लिए 16% एनम पर एनम के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर है 9600 पे एक्स परसेंट पर एनम के हिसाब से जो 4 साल में ब्याज मिलता है, तो एक्स का मान बताओ। बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। अगला सवाल मेरे पास, रामू ने 3000 रुपीज राजू को दिए और कुछ पैसे उसने रवि को दिए सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से। 5 साल के बाद जो ब्याज मिला वो मिला 1600 रुपीज का राजू और रवि से मिला के, तो हमें बताना है कितने पैसे रवि को दिए गए थे। तो आप अगर प्रिंसिपल की बात करें, क्योंकि रेट और टाइम मेरा सेम है, टाइम है मेरे पास 5 साल का, रेट है मेरे पास 8%, प्रिंसिपल कितना हो गया। आप कहेंगे सर एक को तो दे दिया 3000 और एक को मैं मान लेता हूं एक्स दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 1600। सोल्व करके अपना एक्स का मान बताना है, यहां से 8 से काटूंगा तो 200 बचेगा मेरे पास, फिर 5 से काटूंगा तो 40 बचेगा मेरे पास, है ना, और ये परसेंट है डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3000 प्लस एक्स ये मेरे पास इधर 4000 के बराबर आ जाएगा। ये परसेंट में हटा ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाएगा अभी कोई बच्चा, तो 8 ये है। आप देखेंगे यहां पे एक्स का मान क्या आएगा, 4000 - 3000 डेट इज 1000। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन में कहता है एक बैंक है डिपॉजिटेड अमाउंट पे 6% का इंटरेस्ट देता है, बैंक पैसे सारे स्टॉक मार्केट में लगा देता है जहां उसे 3 लाख रुपए पे 30000 ब्याज के तौर पे मिलते हैं। हमें बताना है कि अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिटेड पैसा 60 लाख है तो बैंक की अर्निंग क्या होगी। देखो यहां पे कहीं भी टाइम के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, तो टाइम के बारे में कोई बात नहीं कर रखी तो इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि बात क्या हो रही है, 1 साल की बात हो रही है अगर टाइम अलग से मेंशन नहीं कर रखा, ठीक। तो हमें ब्याज मिल रहा है क्या 3 लाख में 30000, आपको पता ही इसका कितना है 10% है, टाइम 1 ईयर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% जो बैंक को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में लगा के, कस्टमर को बैंक दे रहा है 6%, तो अगर मैं इसमें से यह घटा दूं तो मेरे पास बचेगा इफेक्टिव रेट 4%। ये क्या है, बैंक की इनकम है, तो जितने पैसे बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं उसका 4% उसकी कमाई है, इतने डिपॉजिट हो रहे हैं इसका 4% निकालूंगा तो आपको भी पता है 6 × 4 = 24 आएगा, उसके बाद कुछ जीरो हो जाएंगे, चार ऑप्शन में देख लो 24 तो इसमें है बाकी जीरो हैं, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
अगला सवाल मेरे पास, 1875 रुपीज बन जाते हैं इतने 4 साल में, हमें बताने 24,000 रुपीज 9 साल के बाद कितने बनेंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अंडर सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें इस इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ये आएगा 50 और ये 25 में से 18 घटाया तो 750, ये मेरा ब्याज है 4 साल का ब्याज है इतने पे। तो अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो 1875 इंटू आर बाय 100 इंटू में टाइम मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टाइम मुझे दे रखा है 4 ईयर्स का, तो सिंप्लीफाई करो इसे। चल अगर मैं ये 2 जीरो हटा के पॉइंट ही लगा देता कोई दिक्कत नहीं थी, और 4 को अगर 18.75 से करूंगा तो ये आपने पहले भी देख रखा है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 75 आती है, बहुत बार क्वेश्चंस में हमने ये चीज सोल्व करी भी है ना। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हटके क्या बनेगी 75 R, और ये किसके बराबर 750 के बराबर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अगर रेट 10 है तो आप बताओ मेरे पास टाइम है 9 साल का तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा 10 × 9 90%, ये ब्याज है तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 190% 100+90, प्रिंसिपल को अगर हम 100% मानते हैं तो ये इतना है 1% मेरा 240 के बराबर हो जाएगा 190% 190 × 24 240। आप देखेंगे मेरा आंसर क्या आएगा, लास्ट में तो 2 जीरो आनी है, 9 × 4 = 36 यूनिट 6, तो 6 0 0 लास्ट में आएगा, 2 ऑप्शन में आ रहा है तो करना पड़ेगा। चलो 19 × 4 = 76, 7 carry forward हो गया, 19 × 2 = 38 और 7 = 45, 4 5 6 0 0 0 यही मेरा आंसर होगा, 4 5 6 0 0। चले आगे, तो यहाँ पे ये एक्चुअली दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया, इसलिए बाद में आ रहे हैं। जैसे रमेश के पास यहाँ पे कहता है कि 18,000 रुपीज है, ठीक है, उसने 7,000 बैंक में जमा करा दिए 5% पर एनम के हिसाब से, 6,000 दूसरे बैंक में 6% के हिसाब से, टोटल ब्याज इतना मिला एक साल के बाद, तो हमें बता दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा रिमेनिंग कैपिटल पे। समझो ध्यान से, उसके पास 8,000 रुपीज है ना, पहले तो 7,000 रुपए उसने 5% के हिसाब से एक बैंक में जमा कराए, एक साल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली करेंगे 1% हो गया 70, 5% हो गया 70 × 5 350 रुपए, तो पहले बैंक से ब्याज मिलेगा। फिर उसने यहां पे क्या करा, 6,000 रुपए 6% के हिसाब से दिए, तो 1% 60 × 6 ये हो गया 360, ये दूसरे बैंक से ब्याज मिलेगा। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 7,000 × 6,000 13,000, इसमें से घटा दूंगा बचा मेरे पास कितना 5,000, ठीक है, ये इसने मान लेते हैं 8% के हिसाब से दिए, तो कितना ब्याज हो जाएगा एक साल का 50 × R, ये मेरा एक साल का ब्याज यहां पे आ गया, टोटल ब्याज कितना मिला 1160। हमसे पूछा है कि जो तीसरी इन्वेस्टमेंट है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आर का मान बता दो। क्वेश्चन खत्म है, आप देखेंगे ये हो गया 710, इधर घटाऊंगा तो मेरे पास ये 50 और ये 4, ये 50 R के बराबर हो गया, R कितना हो गया मेरे पास 9%। चले आगे, अगला सवाल, कुछ रेशियो वगैरह दे रखे हैं उससे हम करना है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3/5 ऑफ द सम क्या होता है, प्रिंसिपल को कहते हैं, तो हमें ये दे रखा है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बेसिक से करें अगर हम, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होगा। आप सोल्व करके यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 6 साल दे रखा है, तो इसे 6 कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पी से तो पी कैंसिल हो गया, इससे काटूंगा तो 2, और यहाँ पे 20, 2 से काटूंगा 10, तो आर आ गया मेरे पास यहाँ पे 10। ये बहुत ही गंदी अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को करने की, आप डायरेक्टली कर पाने चाहिए। अब डायरेक्टली देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3/5 ऑफ प्रिंसिपल, तो मैं कह सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट भाग प्रिंसिपल मुझे कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है यहाँ पे 3/5। इसका मतलब क्या है, टोटल आप इफेक्टिव निकालें तो कितना ब्याज मिल गया 3/5, कितना परसेंटेज में अगर मैं लिखूं तो कितना होगा, आप कहेंगे सर इनटू 100% कर दो, तो ये वाली वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये 60% टोटल ब्याज मिला मुझे 60% प्रिंसिपल का। तो आप देखेंगे कितने साल में मिला, 6 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 60% डिवाइडेड बाय
तो ये आ गया 10%, यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं? अगर आप इस तरीके से सोच सकते हो तो आप थोड़ा जल्दी कर लोगे, इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मन मन में हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3/5, 3/5 फ्रैक्शन आपको पहले ही पता है कि 60% होता है, 60% डिवाइडेड बाय 6, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%, खत्म। ऐसे एक और सवाल करते हैं, देखो कहता है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का 3/5 ऑफ द सम होता है, आप बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 3/5 कितना होता है हमारे पास, 60%, 60% कितने साल का ब्याज मिल रहा है, 8 साल का, तो 1 साल का क्या होगा 60/8, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 7.5% आ गई। सिर्फ इतना करना है इस तरह के क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पर्सन ने कुछ पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, 4 साल के बाद उसने कितना लौटाया, 9/5 लौटाया लेंडर को, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये क्या है, लुटाया 9/5, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो अमाउंट है वो है 9/5 ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नीचे ले जाऊं अगर मैं, तो मैं सकता हूं अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल इतना हो गया, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे अगर आप इसे परसेंटेज में करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर इंटू 100% कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 180%, ठीक है। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल का 180% हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 80% हो गया। टाइम कितना था, 4 साल था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 20%, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया पहले ही मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाऊंगा तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 4, वो कितने साल का है, 4, 4 साल का, तो 4/4 ये आ गया 1, तो 1 का ब्याज मिल रहा है। अगर मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 5, तो 1/5 गुना में 100, तब भी आपको मिल जाएगा 20%। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है मेरे पास 16,000 रुपीज है, 14% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं उतने टाइम के लिए, जितने टाइम में हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 हो जाता है एक सर्टेन सम का 10% के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ अ सम हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सम कितना दे रखा है मुझे, या प्रिंसिपल 3/5 दे रखा है, ये तो हमें पता है किसके बराबर होता है 60% के बराबर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर इसे 60/10, तो ये हो गया 6, टाइम आ गया मेरे पास 6 साल का। इस 6 साल के लिए ही हमने क्या करा, 16,000 रुपीज 14% के हिसाब से दिए, तो हमें इंटरेस्ट बताना है। आप कहेंगे सर 1% हो गया 160, 14% का ब्याज है, टाइम है मेरे पास 6 साल, सोल्व करके अपना आंसर बता दो। अगर ऑप्शंस में देखूं तो जीरो के बाद के डिजिट सारी जीरो, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो जीरो के बाद की सारी अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर लो, 6 चौक 24, 4 छिक 24, तो लास्ट में 40 आएगा, ऑप्शन नंबर मेरा यही करेक्ट हो सकता है। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट एक सम पे 1/5 है सम का एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट इज 5 times द नंबर ऑफ इयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 3% देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर दिस इयर्स, ठीक है। मेरे पास कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल का 1/5 है, तो ये तो आपको पता है कितना हो गया 20% हो गया इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट हमारा, ठीक है। जो टोटल बना होगा सिंपल इंटरेस्ट वो 20% बना होगा, ये रेट नहीं है ध्यान रखना। आगे कहता है कि जो मेरे पास रेट है ना वो 5 गुना है किसके, नंबर ऑफ इयर्स के, तो टाइम को अगर मैं टी मान लूं तो रेट कितना हो जाएगा मेरे पास 5t, और ये वाली वैल्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट बन गया मेरा, ये किसके बराबर दे रखा है 20% के बराबर दे रखा है। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो रेट टाइम का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, जैसे 20% मत देखो क्योंकि 50% होता, 20 लिख दिया मैंने, तो सॉल्व करूंगा टाइम का मान आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे टी स्क्वायर 20/5 = 4, टाइम आ गया 2। अगर टाइम 2 है तो 5t कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 10। कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%, प्रिंसिपल है हमें 5600 दे रखा है और टाइम दे रखा है हमें 6 साल का, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है कि क्या होगा। तो आप कहेंगे सर परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट गई,
मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, 888 है, फिर 68 लास्ट टू डिजिट से भी नहीं कर सकते, पूरा ही सोल्व कर लेते हैं, खत्म करो। अब सोल्व करना भी है तो कैसे करेंगे, देखो 13 का टेबल मुझे पता है, मुझे 6 का भी पता है, लेकिन 56 का नहीं पता, तो एक काम करते हैं 6 और 56 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो ये वाली वैल्यू 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 336 आ गया इनटू में 13। अब 13 6 जा 78, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 43। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, अगला सवाल कहता है कुछ पैसे 7 टाइम्स बन जाते हैं अपने आप के सिंपल इंटरेस्ट का 14 इयर्स में, हमें बताना है कितने सालों में पैसे अपने आप के 18 टाइम्स बन जाएंगे सेम रेट पे, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मेरे पास से T1 इयर्स में पैसा N1 टाइम्स बन रहा है और T2 इयर्स में पैसा क्या बन रहा है N2 टाइम्स बन रहा है, तो फॉर्मूला होता है मेरे पास N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1, ये बराबर होता है T1 डिवाइडेड बाई T2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपने पढ़ भी रखा होगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा सकते हैं, पहले हमारा 7 टाइम्स बन रहा है तो ये हो जाएगा 7, सेकंड केस में हमें कितने टाइम्स करना है 18 टाइम्स। ये वाली वैल्यू T1 हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, पहले लग रहे थे 7 साल, ये हमें बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 7 माइनस 1 6 हो गया, 18 माइनस 1 17 हो गया, ये 7 भाग T2 हो गया, T2 मेरे पास बराबर हो गया 17 इंटू 7 119 भाग 6, कुछ गलती कर दी क्या, एक सेकेंड, टाइम वन मेरा 7 नहीं है 14 है, सॉरी तो आप यहाँ पे थोड़ा काट भी सकते हैं, इसे मैं कह सकता हूं कि ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 119 भाग 3 से आप करेंगे डायरेक्टली 40 टाइम्स, आपको पता है 120 होता है, वो एक कम है एक भाग 3 कम है, तो 40 माइनस 0.33, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 39.67 या 66 जो भी एग्जाम में दे रखा हो। अगला सवाल हमारे पास लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हो जाएंगे सारे। अमन ने कुछ पैसा स्कीम ए में निवेश किया 8% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए, तो स्कीम ए में 8% के हिसाब से 5 साल के लिए क्या लिख लेता हूं। फिर कहता है उसने पैसा स्कीम बी में, स्कीम ए में जितना किया था उसके 4 गुना किया, तो स्कीम ए में आप सिंप्लीफाई करने के लिए 100 मान लेता हूं, इसमें मान लेता हूं 400 निवेश करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रखा, टाइम रखा 7 साल, टोटल इंटरेस्ट जो मना उसे वो मिला इतना, तो आपको बताना है कितने पैसे उसने स्कीम बी में निवेश करे थे। ठीक है, तो ये 100 माना है, वैसे एक्चुअली में ये एक्स मान लेना इतना है, लेकिन मैं एक्स लिखता नहीं हूं तो डायरेक्टली कर लेते हैं। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अगर 100 है तो 8% कितना हो जाएगा 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, तो स्कीम में से ब्याज कितना मिलेगा 40 या 40x मिलेगा, लिख लो x के टर्म्स में। यहाँ पे मेरे पास 1% कितना हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, 20 इंटू 7 140, स्कीम बी से इतना ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज कितना हो गया 1620 हो गया, हमें बताना है 400x का मान, तो ये तो 180 बनेगा, x कितना हो जाएगा यहाँ पे 1620 डिवाइडेड बाय 180, और अगर 400x बताना है तो 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सोल्व करो, 10 से 10 कट जाएगी हमारे पास, 18 से मुझे पता है पूरा 9 टाइम्स जाता है तो 90, और 9 इंटू 4 36 होता है तो 3600, ये मेरा आंसर। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास कहता है एस ने कुछ पैसे आर से बोरो करे और प्रोमिस किया उसे 8% इंटरेस्ट देने का, आर ने, एस ने फिर वो पैसा जो आर से लिया था किसी स्कीम में लगाया, उस पर उसने 5% प्रॉफिट कमाया आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, तो हमें बताना है कि आर को कितना पैसा मिलता इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड द सेम इन द स्कीम डायरेक्टली। दोबारे रिपीट करता हूं स्टेटमेंट में, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन भी हो। ठीक है, मेरे पास एक एस है, मेरे पास एक आर है, आर से कितना पैसा उधार लिया गया, कुछ पैसा उधार लिया गया, ठीक है, और एस ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा 8% ब्याज दूंगा उसका, एस ने किसी और स्कीम में लगा दिया,
अब उस स्कीम में उसे जो पैसा मिल रहा है वो 5% एक्स्ट्रा बचा पा रहा है अपना आफ्टर पेइंग आर, जो आर से पैसा लिया और उसका इंटरेस्ट भी। तो आर से मान लो उसने क्या लिया, 100 रुपए लिए, ठीक है, तो कितना पैसा वो देगा आर को? आप कहेंगे सर 8% का ब्याज है, 100 देगा और प्लस 8% का ब्याज 8, तो इतना तो उसने क्या करा आर को दे दिया। अब उसे 5% का प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जब हम बात करेंगे ना, उसने एक प्रॉफिट कमाया 5% का, तो वो 5% जो उसने आर से पैसा लिया था उसी का तो प्रॉफिट कमाएगा। जनरली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बैंक का सवाल करवाया था, बैंक में क्या हो रहा था, पैसे लोग डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है, उस पैसे को बैंक क्या कर रहा था, एक फिक्स ब्याज दे रहा था। तो आप ये मान लो कि ये है एस मेरा एक बैंक, ये है मेरा स्कीम क्या हो गई, एक स्टॉक हो गया, और एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बैंक में पैसा जमा करा रहा है, वो है आर। आर के पास 100 रुपए थे, उसने बैंक को दिए, बैंक ने कहा मैं 8% का ब्याज दूंगा, और उसने ये पैसा लौटा भी दिया। अब बैंक को, बैंक ने जो पैसा था वो किसी और स्कीम में लगाया था जिसमें उसे 5% का फायदा हुआ भी। कहता है कि अगर आर डायरेक्टली इसी स्कीम में पैसा लगा लेता तो उसे कितना ब्याज मिलता? तो आप कहेंगे सर एक तो देखो 8% ही है, जो बैंक पैसा लगा रहा है, जो आर ने एक्चुअल पैसा दिया वही तो स्कीम में लगाया होगा, तो एक्चुअली उसे स्कीम से कितना मिला होगा? 100 का 8% इसे भी देना, 5% खुद भी बचाना है, तो स्कीम में 13% का प्रॉफिट मिल रहा होगा ना हमें। तो आर अगर डायरेक्टली स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो उसे ब्याज मिलेगा 13% का। दोबारा एक बार देखना, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। कुछ लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं 108 पे 5% का ब्याज लगाते हैं, और उस केस में जो उनका आंसर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर वो बच्चे 13.4 को मार्क करते हैं, वो कि गलत है। इसे एक लॉजिकल तरीके से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए। जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आए, एस ने आर से कुछ पैसे बोरो करे, 8% का ब्याज एस को आर को देना है, एस को खुद भी इस पे इसका मूल अमाउंट और ब्याज देने के बाद भी 5% बचाना है, तो कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। कहता है कि आर डायरेक्टली ऐसी स्कीम में डाल देता जिसमें एस ने डाला, तो उसे कितने का फायदा होता? तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर 8% यहां पे मिल रहा है, 5% वो अलग कमा रहा है स्कीम पे, तो 8, 5 + 5 13% ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये बैंक के नजरिए से देखो, जैसे बैंक में क्वेश्चन हुआ करते हैं, आप ये मान के चलो आर क्या है, एक पर्सन है, एस क्या है, एक बैंक है, और ये क्या है, स्कीम क्या है, मेरा स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल कराया था, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में, वरना ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा। मैं आपको दोबारा से वही क्वेश्चन दिखाता हूं स्कीम वाला। ये देखिए क्या वैसी चीज है, ऑल्दो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन तरीका वही है। अगला सवाल मेरे पास, हमारे पास 10,000 रुपीज है जो राजेश ने लोन की तरह लिए, 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। राजेश इसे टाइम पे नहीं लौटा पाया तो उसने 2 साल का और एक्सटेंशन मांगा, लेकिन लेंडर क्या था, उसने कहा कि भैया देखो 2 साल के लिए तुम्हें पैसा लौटाना था, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मेरा पैसा बना ना, अब मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हारे पास मेरा इतना पैसा है, ठीक है, अब उस पर फिर से आपको ब्याज लगेगा, तो राजेश को हमें बताना है कि 4 साल के बाद कितना पैसा देना होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, आपने अपने दोस्त को 20% के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा दिया, ठीक है, तो 2 साल के बाद उसे कितना देना होगा? आप कहेंगे सर 40% ब्याज बन गया, तो 100 जमा 40 140 रुपए उसे देना चाहिए था 2 साल के बाद, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन ने कहा, बी को इतना देना था, कि मैं भैया नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बी ने दरिया दिल्ली दिखाई, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, तू 140 रुपए अब तुझे देने हैं मेरे, अब जो ब्याज लगेगा वो इस 140 पे लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो अब तक ये सारा पैसा आ जाना चाहिए था, मैं तेरे को 2 साल का टाइम और देता हूं, ठीक है, 2 साल के बाद तू पैसा लौटा दियो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसे कितना देना पड़ेगा? आप कहेंगे सर ये फिर से 40% बन गया, और अगर मैं 140 का 40% निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 56, इसमें जोड़ना पड़ेगा तो 196 पे करने पड़ेंगे। क्या ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन में भी बस यही चीज कह रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे?
10,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे दिए गए, 15% 2 साल के लिए अगर ब्याज लगेगा तो 30% हो गया, 2 साल के बाद पैसे कितने देने होंगे, 130%, जिसे मैं कह सकता हूं ये हो गया 1.3, 2 साल के बाद क्या अमाउंट बन गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है टोटल अमाउंट 4 साल के बाद कितना होगा। अब ये पैसा है 2 साल के लिए, फिर से ब्याज लगेगा, ब्याज की दर कितनी है मेरे पास, 15%, टाइम है 2 साल का, तो फिर से 30% हो गया, अमाउंट निकालूंगा तो 130%, तो अगेन 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 × 13 169, और फिर तो जीरो ही है तो 169, उसके बाद कुछ जीरो होंगे, ये मेरा आंसर होगा। बाकी आपको थोड़ी सी चीज जो कंफ्यूज कर सकती है वो ये है, कहता है तो द लैंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल के लिए उसने क्या करा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल की तरह जोड़ लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो टोटल पहले 10,000 देने थे, इंटरेस्ट बना था इसका 30%, तो 3,000 जो इंटरेस्ट बना था वो भी इसमें जोड़ दिया प्रिंसिपल की तरह, तो कितना दिया, इतना दिया, सेम ही चीज मैंने बोली है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन को पढ़ के, चलता हूं आगे। एक ट्रेडर को एक मर्चेंट के इतने रुपए देने जो 1 साल में ड्यू है, ड्यू इन 1 ईयर, मतलब ये पैसा देना है 1 साल के बाद, तो कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ अमाउंट होगा, और यहां पे मैंने कहा 1 साल के बाद जो पैसा देना है वो है 9810। आगे कहता है बट ट्रेडर वॉन्ट टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, ट्रेडर जो है वो 6 महीने के बाद ही देना चाहता है, तो इसे 6 मंथ और 6 मंथ के बीच में स्प्लिट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 9% का दे रखा है, तो हमें बताना है कितना पैसा उसे पे करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अगर मैं 100 मान लूं तो यहां पे उसने कितना दिया होगा, 109 रुपए दिए होंगे, ठीक है, 109 इसे रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे पास 1:1 का मान आप देखेंगे डायरेक्टली 9 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 90:1, तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 9000 रहा होगा। देखो 1 साल में देगा तो इतना देगा, अब टाइम आधा हो गया, तो जो ब्याज है ना मेरे पास यहाँ पे कितने का ब्याज लग रहा है, 810 का ब्याज लग रहा है, ये 1 साल का ब्याज है, आधे साल का ब्याज कितना होगा, इसका आधा लगेगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 405, तो अब आधे साल के बाद ही पैसा देना चाहता है तो उसे कितना देना होगा, 9405, ठीक है, तो कम पैसे में उसका काम बन जाएगा, ध्यान से करने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, वरना आप ऐसे कह सकते थे भैया प्रिंसिपल 100 है, 109 बनेगा मेरा 1 साल के बाद, आधे साल के बाद कितना बनेगा, 9% है, आधे साल का ब्याज हो गया 4.5%, तो मेरे पास 104.5% का मान बता दो, अगर 109 कितना दे रखा है मुझे, 9810, तो इसे सोल्व करके भी आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, बात वही है। एलिगेशन पे बेस्ड सवाल, जहां एलिगेशन से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए और सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ा दिए अलग अलग बैंक में, पहला बैंक 4% पर एनम का ब्याज दे रहा है, दूसरा परसेंट 6% पर एनम का ब्याज दे रहा है, और जो मुझे दोनों से मिलके जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 4.7% का, तो आप बता दो कि दोनों बैंक में कितना कितना पैसा निवेश किया गया था। जब भी हमारे पास ऐसा दे रखा होता है कि एक वैल्यू पे इतने परसेंट का ब्याज, दूसरे पे इतना, और दोनों पे मिला के एवरेज में इतना, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें एलिगेशन से मिल जाता है, 6 में से 4.7 घटाऊंगा तो 1.3%, 4.7 में से 4 घटाऊंगा तो 0.7%, अगर आप रेशियो में देखेंगे तो 13:7 आ गया मेरे पास ये, तो 20:20 किसे रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट जो दोनों बैंकों में दिया, क्योंकि दोनों का रेशियो है ये, बैंक इसमें कितना दिया और इसमें कितना दिया, तो ये तो 2 लाख के बराबर है, तो मेरे पास 1:1 किसके बराबर हो जाएगा, 10,000, 13:1.3 लाख और ये 70,000, तो 1.3 लाख और 70,000 ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, जब भी हमें परसेंटेज में ऐसी चीजें दे रखी हूं तो हम एलिगेशन से कर सकते हैं। अगले सवाल पे हम चलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखी हैं चीजें। अब मेरे पास कहता है ये वाला सवाल कि 4,000 रुपए है, किरण्य 2 लोगों को देती है, एक पार्ट को 8% के हिसाब से देती है, दूसरे पार्ट को 10% के हिसाब से देती है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है इतना, तो हमें बताना है कितने पैसे 10% के हिसाब से दिए थे। आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वरना इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं ओरली करना भी बताऊंगा, पहले एलिगेशन से देख लो।
ब्याज मिल रहा है इतना, टोटल अमाउंट है इतना, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 352 डिवाइडेड बाय इतना इंटू 100% करूंगा तो डायरेक्टली 40 लिख दूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8.8। तो किस रेशियो में पैसा दिया होगा, आप कह सकते हैं सर 1.2 और 0.8, तो ये 3:2 लिख सकता हूं मैं। कंबाइंड 5:5 किसके बराबर है मेरे पास 40,000। एक रेशियो किसके बराबर हो गया मेरे पास 800 के। 10% की दर पे कितना पैसा दिया था, तो 2 × 800 ये हो जाएगा मेरे पास 1600। ऑल दो मैंने कर तो दिया है, लेकिन ये मेथड क्या है, लॉन्ग है। जब भी हमें ये वाली वैल्यू क्या दे रखी हो, एब्सोल्यूट रुपीज में दे रखी हो, परसेंटेज में ना दे रखी हो, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। सोचने का तरीका समझिए कि हम कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है, पहले तो ये देखिए कि 10% के हिसाब से कितना पैसा ब्याज पे दिया गया है ना, टोटल पैसा इतना है। पहला अमाउंट मैंने 8% पे दिया, दूसरा मैंने 10% पे दिया। मैं कहता हूं कि पहला पैसा भी अगर मैं 8% पे ही देता, या इसे मैं ब्रेक कर लूं 8% + 2%, तो अगर ये 8 पे दिया है, ये भी 8 पे दिया है, तो टोटल पे ब्याज कितना मिलता, 4000 का 8% निकाल लो तो ये मिल जाता मुझे 320। 8% इसका इतना ही तो होता अगर दोनों 8-8% पे ही देता, लेकिन हमें ब्याज कितना मिला 352। तो आप कहेंगे सर 352 में से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल गया, 32 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला। ये किस वजह से मिला, क्योंकि मैंने भाई क्या करा था, जो दूसरी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने 10% पे दी थी, तो 2% ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट ये किसके बराबर है, 32 के बराबर है। अगर मुझे 100% बताना है तो इंटू 50 और इंटू 50, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1600। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? इस तरीके से आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, विदाउट पेन किया जा सकता है ये सवाल, अगर इस तरीके से करोगे आप। इंस्टॉलमेंट में बेस्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसलिए लिखा है, एक तो ये इंस्टॉलमेंट लिखा है इसमें लेकिन है नहीं इंस्टॉलमेंट का, दूसरा ऑप्शन भी बनाने वाले ने अच्छे डाले हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यहां पे, कहता है एक कस्टमर को 975 रुपीज पे करना है इंस्टॉलमेंट में, हर महीने उसे इंस्टॉलमेंट भरनी है, और हर महीने जो इंस्टॉलमेंट देता है वो पिछली इंस्टॉलमेंट से 5 रुपए कम की देता है। पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 100 रुपए की है, तो आप बता दो कितनी इंस्टॉलमेंट में वो पूरा अमाउंट पे करेगा। कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट वर्ड कहीं लिखा है नहीं, तो मतलब ब्याज वगैरह कुछ नहीं लग रहा, तो सीधा हमारे पास आप कह लो कि 100 रुपए हैं पहले, पहले वो 100 रुपए देगा, उससे अगले महीने 95 रुपीज देगा, फिर 5 रुपए और कम करके 90, और इस तरीके से अपना पैसा देता रहेगा जब तक ये कितना नहीं बन जाता, 975 नहीं बन जाता। हमें बताना है कितनी इंस्टॉलमेंट लगेंगी, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एन इंस्टॉलमेंट लगेंगी। ये तो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई, एपी का फॉर्मूला है या नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस सब में कितने का है, 5-5 का है। तो आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, एन अपॉन टू 2a + n - 1d, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं अगर आप भूल गए हो तो। और यहां पे अगर मैं पुट करूं तो नंबर ऑफ वैल्यूज को n मान लिया, ट्वाइस ए 2 × 100 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, वैल्यू 5 से घटती जा रही है तो -5 आएगा क्योंकि घट रही है, और ये मेरे पास किसके बराबर, -75 के बराबर। आप देखेंगे यहां पे मैं 5 से काट सकता हूं, 5 सब जगह कॉमन आ रहा है ना, इसमें यहां से काट दो 5, यहां से काटूंगा 40 और यहां से काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 19195। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो बन गया 390। इधर मेरे पास क्या बचेगा, एक तो n है 40 + n, ये माइनस का हो जाएगा, -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो, और ये प्लस का 1 बचेगा तो ये 41 में जुड़ जाएगा। अब हमें बताना है कि n का मान क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन की मदद लेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर जो n होगा, ऑप्शन यूज करने से पहले भी देख लो कि n इसे पूरा का पूरा काट पाएगा जहां तक उम्मीद है, और n इंटीजर वैल्यूज में तो पूरा का पूरा काटना चाहिए, मतलब n से ये वाली वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। क्या ये 26, अब या तो इसमें चेक करना स्टार्ट कर दो वरना आप इसे फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो। आप देखेंगे 13 × 3 तो क्या होता है मेरे पास 39 होता है, और 10 क्या होता है 2 × 5, तो यही फैक्टर्स है, तो जो आंसर होना चाहिए, मतलब जो n का मान होना चाहिए, इन्हीं के फैक्टर में से होना चाहिए। तो पहले देखा मैंने 26 है ना, तो 13 × 2 = 26 है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया बचेगा 15, 41 में से 26 घटाया 15 भी आ रहा है, क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बच्चे इसे मार्क कर देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लिखा।
आपको पता होना चाहिए जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें एन की दो वैल्यू हो सकती है। एक वैल्यू तो भैया मुझे दिख रहा है कि 26 पक्का होगी क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी वैल्यू का क्या? दूसरी वैल्यू भी तो हो सकती है, आप वो देखो, या फिर आप उसे अगर देख नहीं रहे तो आप बाकी ऑप्शन से एक बार कंफर्म कर लो कि कोई और ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे देखो दूसरा है मेरे पास 14 तो इसके फैक्टर में कहीं नहीं है तो नहीं हो सकता। 27 के लिए मुझे 3 और 9 चाहिए, यहां पे तो मुझे 9 मिल ही नहीं रहा तो ये भी नहीं हो सकता, बचा 15। अगर मैं यहां पे 15 रख देता हूं मेरे भाई तो 15 तो मिल गया, 26 रह गया, 13 × 2 = 15 कट जाएगा, और यहां पे 15 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई, 26। तो 15 × 26 तो था, तो जहां पे अब मैंने यहां पे ये 15 रख दिया तो ये 26 बन रहा है, तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर तो ये भी हो सकता है। अब दुविधा, ये लें या ये लें, कौन सा आंसर करेक्ट होगा जल्दी बताओ भैया। ये आंसर करेक्ट होगा, 15 महीना जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जो मिनिमम वाली वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है। ऑल्दो वो अगर 26 महीने तक जाऊंगा, इस सीरीज को 26 तक लेके कंटिन्यू करूंगा, 26 टर्म तक, तब भी यही वैल्यू आएगी। लेकिन होगा क्या, जब भैया 15 इंस्टॉलमेंट में ही मेरा पैसा खत्म हो जाएगा ये, तो मैं आगे पे क्यों करूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। बेसिकली लॉजिकल अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास होगा क्या, जैसे मान लो अगर मैं 15th टर्म निकालूं इसकी, तो फर्स्ट टर्म ये है, 15th टर्म क्या होगी, a प्लस 14d, तो 100 प्लस 14 इंटू में -5 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20। जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट 20 की भरूंगा तो मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी कंटिन्यू करता रहूं तो मेरे पास क्या चीज आएंगी, ध्यान से समझिए, फिर मैं 15 की इंस्टॉलमेंट करूंगा, फिर 10 की, फिर 5 की और फिर मैं 0 की करूंगा। उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट मैं फिर -5 की करूंगा, फिर मैं -10 की करूंगा, फिर मैं -15 की करूंगा और फिर मैं -20 की करूंगा, और फिर मैं इस तरीके से मेरी चीजें क्या चलेंगी, आगे चलेंगी। फिर मैं -25 की करूंगा, फिर मैं -30 की करूंगा, क्या कुछ इस तरीके से मेरी चीजें आगे बढ़ेंगी। और अगर चीजें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं तो ऐसा हो सकता है मुझे तो पैसा पे करना है ना इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पे तो मैं वापस उल्टा लेने लग गया पैसा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उससे वापस मांगने लग जाऊं पैसा, पहले दूं और फिर वापस लूं, कोई साइंस बनेगा इस चीज का? नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना एग्जैक्ट, वो 15 ही होगा। क्लियर है या नहीं है? चले आगे, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो जो छोटे वाली वैल्यू है आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा और आप अपना आंसर उस तरीके से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक सेल फोन है जो कि अवेलेबल है 600 रुपए का, और या फिर 300 रुपए डाउन पेमेंट कर दो और 360 रुपए 2 महीने के बाद दे दो, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्या होगा इस स्कीम में। आप कहेंगे सर 600 रुपए अगर डाउन पेमेंट वाला यूज करना है तो 600 रुपए का है, 300 तो कैश डाउन पेमेंट कर दी, तो कितने बचे, 600 - 300 हमें देने हैं सिर्फ 300 रुपए। क्लियर, रिमेनिंग पैसा। लेकिन वो कह रहा है आप 300 दो, आप 360 दो महीने के बाद अगर आप दे रहे हो, तो आप कहेंगे सर 360 देने हैं, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है हमसे, जो 300 रुपए इस पे 2 महीने का ब्याज लगा के दो, तो प्रिंसिपल तो यही हो गया। अगर ब्याज की दर मैं आर परसेंट मान लूं तो मेरे पास 300 × में आर परसेंट, और टाइम कितना है मेरे पास, 2 मंथ्स है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2/12 लिख सकता हूं मैं टाइम, सोल्व करके मुझे आर का मान बताना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, 300 इधर घटाऊंगा तो 60 बचेगा, ठीक है, फिर ये परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट गई मेरे पास, 3 × 2 = 6, 12 काटूंगा तो 2, तो r by 2 ये आ गया और रेट आ गया मेरे पास 60 × 2 = 120%। ठीक है, तो जल्दी से डाउन पेमेंट के चक्कर में मत पड़ा करो, बहुत ज्यादा भारी ब्याज लोग ले लेते हैं, देखने में तो आपको 60 लग रहा है लेकिन यहां पे अगर लाखों में वैल्यू होती तो बहुत ज्यादा ब्याज आपका बन जाता। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। कहता है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 इयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दूं जिससे कि जो मेरा डेट है 26,160 का ड्यू इन 4 इयर्स, मतलब जो 4 साल के बाद मुझे इतना पैसा देना है, ड्यू इन 4 इयर्स का मतलब 4 साल के बाद देना है आपको ये पैसा, ठीक है, ये पैसा मेरा का पूरा खत्म हो जाए 6% पर एनम की ब्याज दर से। ठीक है,
अगर मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मैं मान लेता हूँ पहली इंस्टॉलमेंट मेरी एक्स की है, ठीक है, दूसरी भी एक्स की होगी, तीसरी भी एक्स की होगी और चौथी भी। कंसेप्ट समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जब ये चौथी इंस्टॉलमेंट मेरी जाएगी तो मेरा पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा और हमारे पास देना कितना था, आप कहेंगे सर 26160। मैं इसे ईयर के हिसाब से लिख देता हूं। मान लो मेरे पास ये सन है 2001, मैंने पैसा कब उधार लिया होगा, सन 2000 में मान लो मैंने कुछ पैसा उधार लिया, तो पहली इंस्टॉलमेंट हमेशा मेरी एक साल के बाद जाती है। तो एक साल के बाद ये 2001 में गई, ये 2002 में जाएगी इंस्टॉलमेंट, 2003 में जाएगी और ये आप कहेंगे सर 2004 में ये वाली इंस्टॉलमेंट मेरी जाएगी। अब ये चार इंस्टॉलमेंट में भर रहा हूं, मुझे जो पैसा देना था वो 2004 में ही देना था इतना। अगर मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट ना भरता, डायरेक्टली 2004 में देता तो इतना देता, लेकिन क्योंकि मैं पहले से पैसा भरता हुआ आ रहा हूं तो ये 2001 में पैसा दिया मैंने, कितने साल पहले दे दिया, 3 साल पहले, ये वाला पैसा 2 साल पहले, ये वाला पैसा 1 साल पहले और ये वाला तो टाइम पे दिया, तो इसमें कुछ नहीं मिलना, तो इन पे ब्याज भी तो मिलेगा, मैं पहला पैसा दे पैसा पहले जमा करा रहा हूं तो इस पे 3 इयर्स का इंटरेस्ट बनेगा मेरे पास। ब्याज की दर क्या दे रखी है 6%, इस पे मुझे 2 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से, इस पे मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअली में जो पैसा मैं दे रहा हूं वो कितना जाएगा, आपको यहां पे इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो एज इट इज ये वाली वैल्यू तो आपको दिख ही रही है कि 4x प्रिंसिपल, तो 4x जाएगा ही जाएगा। अब x पे ही मेरा 3 साल का ब्याज 6% के साथ है, तो 3 × 6% को कॉमन ले लिया, यहां पे 3 साल है, सेम मेरे पास x और 6 इधर है, 2 साल है, x और 6 इधर है, 1 साल है, तो 3 + 2 + 1 ये मेरा ब्याज हो गया और यहां पे वैल्यू आई 26160। क्या आपको समझ में आया? अब मैं यहां से x का मान अपना निकाल सकता हूं, ये x अमाउंट पे ही था, तो दिस विल बी माई अमाउंट, इक्वेट कर दिया मैंने और आंसर निकाल लेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली आपको ऐसे ही करना होता है कि टोटल इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू बनेगी सम करके वो इंटू में एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है इंटू में ये 3 क्यों लिखा मैंने, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स इंस्टॉलमेंट जिसपे ब्याज लग रहा है, ब्याज की दर 6% और टाइम अगर 4 इंस्टॉलमेंट जा रही है तो 3 × 2 = 1 कर दो, 5 इंस्टॉलमेंट होती तो 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे होता, इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्लियर है, सोल्व कर लेंगे, क्या वैल्यू बनी मेरे पास, देखो 6 36% में है तो 0.36 और 4.36x, ये इसके बराबर है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा, x का मान बताओ क्या आएगा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखो पॉइंट हटा दिया तो जो जीरो लग गई, अब ये वाली वैल्यू 436 है और ये 2616 है, अगर थोड़ा सा ध्यान जाए तो डायरेक्टली ये 6 टाइम्स आ रहा है और यहां पे ही आ जाएगा। अब 436 का टेबल थोड़ी ना पता है, 6 टाइम्स आ रहा है, मैंने डायरेक्टली कह दिया। हमारे पास देखो वैल्यूज की रेंज दे रखी है, अब 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 26 दिखे, या फिर आप इसे यहां से भी छोड़ो, मैं खाली यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करता हूं, लास्ट में 5 भी है, चलो हम नहीं कह सकते ऐसे डायरेक्टली, 4 से जैसे यहां पे अगर चलो उसी से देखते हैं कि 4 से कितना जाएगा, 26 चाहिए मुझे लगभग, आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 6 × 24 या फिर 28 होता है। अगर मैं 6 से करके देखता हूं तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करके देखो, 6 से 4 × 6 = 2400 हो गया, 36 को 6 से करोगे तो 216 होता है, इन दोनों का सम करोगे तो मेरे पास 2616 आएगा, तो यही वैल्यू बन रही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में अगर इस तरह की कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं तो आप इजिली क्वेश्चन को थोड़ा और कम टाइम में कर पाएंगे, तो हर इंस्टॉलमेंट मेरी 6000 रुपए की होगी। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास, अब सारे के सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आई थी तो आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट तरीका क्या है, फिर आपको कोई भी दिक्कत इस सवाल में नहीं आएगी। तो मैंने अभी 32 वाला छोड़ा है, वो दोबारा मैं उस पर आऊंगा, अभी 33 वाला देखते हैं। प्रणव ने इतने रुपए 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिए, पहले साल के अंत में उसने इतना रुपए लाया लुटा दिए टुवर्ड्स दी रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में उसने सारे के सारे पेंडिंग ड्यूज निपटा दिए अपने, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट डेट अक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो हमें बताना है कि कितना पैसा वो पे करेगा सेकेंड ईयर के एंड में। तो ध्यान से समझिएगा इसे, कुछ पैसा उधार लिया गया 623305, मैं मान लेता हूं उसने पैसा पहले नहीं दिया, सारा पैसा बाद में देता, तो ब्याज की दर है 10%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाता
20% तो कितना देना पड़ता, इतना पैसा उसे देना पड़ता। एक्चुअली में तो इतना देना पड़ता अगर बीच में कुछ नहीं देता, लेकिन कहता है कि वो एक साल के बाद इतना पैसा दे देता है। तो अगर एक साल के बाद इतना पैसा दिया उसने, तो कुछ टाइम पहले दे दिया ना, तो इस पे ब्याज भी तो मिलेगा उसे इस पैसे पे। तो एक्चुअली में मैं कहूंगा वो कितना दे चुका है, वो होगा 16390, ब्याज की दर थी 10%, तो एक साल का ब्याज 10% हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 110%, तो इंटू में 1.1 इतना दे चुका है, इतना टोटल देना था। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या बता देगा, मेरा आंसर बता देगा, ठीक है। वरना आप इस तरीके से देखो, मान लो मेरे पास आज सन है 2001 है, फिर 2000 मेरे पास दो है, हमने क्या करा, प्रणव ने आज सन 2000 में कितना पैसा उधार लिया, इतना पी अमाउंट उधार लिया। अगर वो डायरेक्टली 2002 में पे करता है, दो साल के बाद पे करता है, तो उसे कितना कर पे करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर ब्याज लगा लो पी प्रिंसिपल हो गया, और रेट अगर 10% है तो दो साल का 20%, और उस पे अमाउंट हो जाएगा 120%, तो प्रिंसिपल का 1.2 टाइम्स करना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा अगर डायरेक्टली दो साल के बाद देता। अब उसने एक साल के बाद कुछ पैसा लौटा दिया, तो उसे एक साल का तो ब्याज मिलना चाहिए ना, जैसे जो पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। वरना आप इस तरीके से सोचो कि उसने एक साल के बाद जो पैसा है इसे ना लौटाया, उसने किसी और को दे दिया ब्याज पे। तो मैंने कहा अगर किसी और को उसने क्या दे दिया, 16390 एक साल के बाद दे दिया, और एक साल के बाद उससे वापस ले लिया, तो उसे कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 16390 इंटू में 10% का ब्याज लगा देंगे तो अमाउंट बन जाएगा 1.1 110%, ठीक है। तो अब उसने जिस पर्सन को ब्याज पे पैसा दिया था, किसी सेकेंडरी पर्सन को अगर दे देता, तो एक साल के बाद उसे इतना मिलता। अब बारी आ गई 2002, जब हमें सारा का सारा पैसा लौटाना है, तो प्रणव को देना था इतना, उसने दूसरे पर्सन से जो वापस मिला वो इतना मिल गया, तो रिमेनिंग अमाउंट दे देगा वो प्रणव को, तो इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे, तो इतना पैसा ही उसे देना पड़ेगा। तो क्या डायरेक्टली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम डायरेक्टली ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं? अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो पॉइंट के बाद मेरे पास एक वैल्यू है, यहां पे भी एक वैल्यू है, आंसर में कहीं भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में आंसर हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर हो, हमें अभी नहीं पता। हम कोशिश करते हैं एक बार यूनिट डिजिट से करने की, क्योंकि चारों ऑप्शन की मुझे यूनिट डिजिट पता है। अगर मैं फिलहाल इस पॉइंट को भूल जाऊं, इस पॉइंट को मैं भूल जाऊं, तो लास्ट की दो डिजिट मैं निकालूंगा, एक तो मुझे एनिमिनेट करनी है और ये वाली डिजिट मुझे बता देगी मेरा आंसर कौन सा होगा, क्लियर। अब सोल्व करो क्या कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर लास्ट टू डिजिट निकालनी है, तो 05 है और यहां पे 12 है, 12 इंटू में 5 ये हो जाएगा 60, तो 6.0 आएगा, 1.1 इंटू में 90 तो मेरे पास 0 और ये 9 बचेगा, आगे कोई वैल्यू जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, तो 0.0 तो लास्ट की तो हट गया। अब 6 में से 9 को घटाना है, तो ये छोटी वैल्यू है तो ये 16 बन जाएगा, 16 माइनस 9 क्या होगा 7, यूनिट डिजिट 7, कौन से ऑप्शन में दे रखी है इसमें, तो क्या यही आंसर होगा मेरा? कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन हवा में उड़ाएंगे हम आगे वाले सारे के सारे, डायरेक्टली इसी लाइन पे आपको आना है क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे थे और सारे के सारे ऐसे ही हो सकते हैं। जैसे अगला सवाल मेरे पास कहता है प्रणव ने इतने रुपए उधार लिए 20% पर एनम ब्याज दर से, एक साल के बाद इतने लौटा दिए, तो बताओ दो साल के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 20% की ब्याज दर है ना, तो 40% हो गया दो साल का, तो मैं कहूंगा इस वाली वैल्यू में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक साल के बाद ये दे दिया था तो इस पे 20% का ब्याज लगेगा, तो इस वाली वैल्यू में मुझे 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो मेरा आंसर आएगा। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट फिर से क्या है, डिफरेंट है, तो क्या मुझे पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत है ये दोनों वैल्यूज? नहीं लिखने की जरूरत भाई, लास्ट की दो डिजिट ले लो ना, लास्ट की दो डिजिट ले लो, यहां से मैंने 97 ले लिया और यहां से मैंने क्या ले लिया 84 ले लिया। अब सोल्व कर लो, अपना वैल्यू निकाल लो, 14 7 कितना होता है, 14 7 होता है मेरे पास 98, 9 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 14 9 126 और 9 135 135, तो 5 रह गया यहां पे, 12 4 48 4 कैरी फॉरवर्ड, 12 8 96 और 4 100 तो 08, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 और यहां पे 5, यूनिट डिजिट से डायरेक्टली देखूं तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है या नहीं है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आंसर डायरेक्टली ऐसे दिख जाएगा अगर ऑप्शंस यूनिट डिजिट डिफरेंट है। बाकी कई बार ऐसा हो सकता है दो डिजिट मेरी सेम आ गई, तो हम फिर 3 डिजिट तक निकालने की कोशिश करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। अभी हर तरह के सवाल आएंगे, ये तो सिंपल वाले हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी आपकी, तो आपको पता होना चाहिए।
थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट ब्रशअप आपका करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आने में आसानी हो। वैदिक मैथ्स में मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का तरीका बताया था, वो मैं फिर से रिपीट कराता हूं। टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन और थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। मान लो मुझे 57 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 63 से, क्या रिजल्ट आएगा? तो जनरली तो आप करते ही हैं, जैसा करते हैं वैदिक मैथ्स में हम कैसे करते हैं, पहले हम लास्ट की दो डिजिट क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 को, कितना आया 21 आया, तो 1 एज इट इज लिखेंगे, 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर अब मैं सेकंड केस में, सेकंड लास्ट डिजिट अगर मुझे निकालनी है ना, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इसके, ये सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स में बता रखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 6 को 7 से कर रहा हूं और उसके बाद 5 को 3 से कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं और जो कैरी फॉरवर्ड था वो भी ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये जो कैरी फॉरवर्ड यहां से आया। अब वैल्यू निकालो 42 67 और 15 57 59, तो ये 59 यहां पे आ जाएगा मेरे पास 9 और यहां पे 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मुझे लास्ट टू डिजिट ही बतानी है तो मेरा काम हो गया क्या, यहां से मुझे लास्ट टू डिजिट मिल गई ना, मैंने 63 का टेबल आना चाहिए ना 57 का, डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने कहा 7 × 3 = 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 × 3 = 15, 6 × 7 = 42। अब इसमें भी क्योंकि अगर ये वाली डिजिट चाहिए तो बस यूनिट डिजिट देखो, 15 में 5 आ गया, 7 × 6 = 42 में 2 आ गया, तो 2 + 5 और मेरा क्या था, 2 कैरी फॉरवर्ड था, तो कितना हो गया 9, ये वाली वैल्यू लिख दी। आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको पूरा ही ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके आपको देखना था तो मैंने यहां पे देखा लास्ट में कि 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब लास्ट निकालना है अगर, तो अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मुझे ये दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 5 × 6 और कैरी फॉरवर्ड क्या था, 5 था मेरा, यहां से ये 5 कैरी फॉरवर्ड आ गया, तो 30 + 5 = 35, तो ये वैल्यू हो गई 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट। ऐसे ही मैं एक दो मल्टीप्लीकेशन और कराता हूं। मान लो मेरे पास क्या है, 72 है और मेरे पास यहां पे 83 है, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले 2 × 6 = 3, मन मन में 6, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, 7 × 3 = 21, 8 × 2 = 16, 21 + 16 = 37, 7 × 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 × 8 = 56 + 3 = 59। पैटर्न समझ में आया, दिस फिर दिस एंड दिस, अगर लास्ट की दो डिजिट निकाल ली है तो पूरा मतलब टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन हमारा ऐसा होता है। अगर ऐसे ही अगर मैं करूं थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन या लास्ट की टू डिजिट बतानी हो, अब मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 6 8, इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 4 3 2, मुझे बतानी है लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सब भूल जाओ, बस लास्ट की दो डिजिट पकड़ो, 8 × 2 = 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 × 3 = 24, 4, 12 × 2, 4 × 2 = 6 और 1 = 7, लास्ट की दो डिजिट मेरी क्या आएंगी, आएंगी, खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना लास्ट की दो डिजिट के लिए। ऐसे ही अगर थ्री डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हमें करना हो, से मेरे पास नंबर है 1 1 2 2 3, या दो अभी छोटा ही ले लेते हैं, और ये मेरे पास 122 डिजिट्स को रिपीट नहीं करते हैं, इसे 123 कर लेता हूं, इसे 456 कर लेता हूं, चलो ठीक है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो पैटर्न क्या होता है मेरा देखना, पहला 1, फिर सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं, फिर थर्ड केस में हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस और ये, लास्ट की तीन डिजिट अगर मुझे चाहिए पूरा करना है तो फिर हम आगे भी बढ़ते हैं, वो मैंने अलग से करा रखा है, बस मैं लास्ट की तीन डिजिट निकालना आपको सिखा रहा हूं। तो मैं कहूंगा सबसे पहला अपना पैटर्न है मेरे पास ये पिंक वाला, 3 × 6 लिख रहा हूं, 18 यहां पर आ जाएगा, 8 मेरा 1 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर प्लस। अब क्या है मेरे पास, दिस और दिस, 5 × 3 और यहां पे 2 × 6, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 15 और 12 = 27 + 1 = 28, 8 × 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब मेरे पास अगला पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो, ये और ये, तो 1 और 6, 1 × 6 + 4 × 3 + 2 × 5, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 6 10 22 28 और 2 30, तो मेरे पास यहां पे 30 होना, तो 0 आ जाएगा, 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे सोल्व करने के लिए अलग हो जाएगा।
तो लास्ट के तीन डिजिट मैं यहां से ऐसे निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। अब एक प्रैक्टिस कराता हूं जल्दी से। मान लो मेरे पास नंबर है 12821 1 1 1 2 3, मुझे इसकी लास्ट की तीन डिजिट चाहिए तो क्या करना होगा? आप कहेंगे सर इतना छोड़ दो, बस ये देख लो 1 × 3 3 2 3 6 1 × 2 2 6 और 2 8, ये आ गया 8, और लास्ट डिजिट निकालनी है तो पैटर्न क्या बनेगा मेरा 8 3 24, बस यूनिट डिजिट देखो 4 1 और 2 2 4, कितना आया 9। यूनिट डिजिट चाहिए हमें तो ये निकाल लिया हमने, बस आगे सोल्व करना ही नहीं है, तो 893 आ जाएगा इसका लास्ट तीन डिजिट। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं ध्यान से, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन था ये जो मैंने अभी छोड़ दिया था, सेम क्वेश्चन है। सोहन ने इतने पैसे लिए 11% पर एनम की ब्याज दर से, एक साल के बाद इतने लौटा दिए, ठीक है। सेकंड ईयर के एंड में सारे पेंडिंग ड्यूज खत्म कर देता है, तो हमें बताना है सेकंड ईयर के एंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये चार ऑप्शंस भी मुझे दे रखे हैं जिसमें चारों की यूनिट डिजिट तो ऑलरेडी डिफरेंट दे रखी है मुझे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर पहले तो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, अब 11% का अगर दो साल का ब्याज लगेगा तो 22% अमाउंट कितना हो जाएगा 122%, तो 1.22 से मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, और यहां पे मेरे पास ये वाली वैल्यू है। अगर तीन डिजिट भी लास्ट की निकालनी पड़े, ध्यान रखना अगर तीन डिजिट भी निकालनी पड़े लास्ट की, तो मुझे लास्ट की बस तीन डिजिट का मतलब है, मैंने लिखा 545। अब यहां पे मैंने दे दिया था इतना 25490, तो मैंने लिखा 490। ब्याज एक साल के बाद दिया तो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11% के हिसाब से 111% हो जाएगा, मतलब 1.11। हमें सोल्व करके बताना आंसर क्या होगा। क्यों मैंने तीन डिजिट निकाली? क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट तो आएंगी मेरे पास दोनों केस में दिख रहा है, और दो डिजिट अगर आएंगी तो मुझे एलिमिनेट हो रही होंगी वो लास्ट वाली थर्ड वाली चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां पे तो आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो है तो आपका एक पॉइंट एलिमिनेट हो गया और ये बह गया यहां पे। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक तो जीरो आएगी मेरे पास, बाद की दो डिजिट और निकाल लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के बाद। तो इसे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास 49 × में लास्ट की दो डिजिट इसकी देखी तो 11 है, और आप देख लो वहां पे क्योंकि एक जीरो है तो एक पॉइंट हट जाएगा मेरे पास। इस वाले में मेरे पास पॉइंट है पूरा का पूरा, तो मुझे पूरा करना पड़ेगा लास्ट की तीन डिजिट तक। क्लियर है या नहीं है? अब इसका निकालो भैया लास्ट की तीन डिजिट क्या आएंगी। 545 इस तरीके से लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, बाकी प्रैक्टिस तो इस तरीके से भी हमें होनी चाहिए। 5 × 2 = 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 8 18 और 1 19, यहां पे मेरे पास 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 6 और 8 14, तो 4.9, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 4.9, 4.90 कह सकते हो आप। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एक जीरो तो आनी थी तो वो एज इट इज लिख दी। 11 को 49 से करूंगा तो 9 और यहां पे 3, तो मेरा आंसर जो बचेगा उसका क्या होगा, ये तो 0 0 आ गया, 4 − 3 1, यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरे पास 1 आएगी, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट हो सकता है और कोई करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है या नहीं है क्वेश्चन? ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि देखो तीन डिजिट वहां पे मैंने ऊपर तीन डिजिट निकाली टोटल, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट के बाद की दो वाली डिस्कार्ड कर दी। ऐसे जब यहां पे भी कर रहा था तो एक जीरो थी ऑलरेडी, तो आप उसे इग्नोर कर दो। तो मैंने कहा यार इससे और इससे दो डिजिट निकाल लेता हूं पॉइंट के बाद, ये लास्ट वैल्यू तो जीरो है तो मुझे ये दोनों चाहिए बस। थोड़ा सोचोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवालों पर चलता हूं, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। देखो इसमें भी चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, डायरेक्टली करेंगे। इतना पैसा दो साल के लिए 20% पे, एक साल के बाद इतना लौटाया तो फाइनल कितना लौटाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर पहले तो मैं 0 9 2 लास्ट की तीन डिजिट लिख दी, 20% का ब्याज दर है तो 1.4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि 140% बनेगा। फिर मेरे पास 21679, तो 679 फिलहाल लिख दिया, और 20% के हिसाब से 1.2 क्या वैल्यू बनेगी लास्ट की दिखना है। तो हमारी दो डिजिट भी काफी है क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक है, मोस्ट प्रोबेबली वो कट के जीरो बन जाएगा और यहां वाली डिजिट मिल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो दो दो डिजिट को ही देख लो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब तो 14 और 12 का तो टेबल याद है, तो डायरेक्टली कर लो 14 × 2 = 28 2 कैरी फॉरवर्ड 9 × 26 और 2 × 28 8, और इसमें घटाना पड़ेगा 12 9 = 108 10 कैरी फॉरवर्ड, तो मेरे पास 12 7 = 84 और 10 94, तो ये आ गया 4, तो क्या बचा 4.0। कौन से ऑप्शन में है? डी में है, यही आंसर है। चले आगे, सिमिलर सवाल
डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, लास्ट की 208 ले लिया 15%, तो मेरे पास 1.3 बनेगा, 30% का ब्याज हो गया दो साल का, तो 1.3 यहां पे है 196, फिर से मेरे पास 1.15 आएगा। बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके बताना है। यूनिट डिजिट देखो दो की मैच कर रही है अब, और बाकी अलग है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है मेरा जब दो की मैच कर रही हो, ठीक है, कि अगर 7 आ गया तो फिर मुझे एक और पीछे जाके लेना पड़ेगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसे अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये करो, देखो 1.15 यहां पे तीन डिजिट तक जाना, तब जाके मुझे पॉइंट के बाद वाली एक डिजिट मिलेगी, उसके बाद की दो डिजिट मिलेंगी, और इसमें इन दो से ही मुझे एक डिजिट मिल जाएगी। तो पहले यही ट्राई करके देख लेते हैं डायरेक्टली हमारे पास क्या आ रहा है। 13, 8 जा, मेरे पास आएगा वैल्यू 104, तो 0.4 यहां पे बचेगा मेरे पास। और अगर मैं इधर करता हूं तो इधर 3 digit वाला जा रहा है, तो करके देखते हैं हमारे पास यहां पे 196 है और 115 है। वैसे तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 2.3 बना लेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 3 digit में आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। 30 बनेगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरे पास, 45, 51 और 3 54, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 5 10, 16 और 9 25, तो 5.40। तो यहां पे मेरे पास बनेगा 5.40, यहां पे भी 0.40 था, ऊपर से घटाऊंगा तो ये 10 बनेगा, 10 - 5 5.00, लास्ट डिजिट क्या होगी 5, ये सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मेरे पास। अब इसमें भी सिमिलर चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, 8% है, 020 है, ठीक है, 8% के हिसाब से 1.8 × 16, 1.16, और ये वाली वैल्यू कुछ दे रखी है हमारे पास 020 लिख दिया, चलो लास्ट में मेरे पास 090 है और इसमें बनेगा 1.08, 8% का भी। तो एक काम करते हैं ना अपन, ये हटा देता हूं 0, यहां से भी 0 हटा देता हूं, पॉइंट को पीछे कर लेते हैं ना, एक हटा के ये यहां पे, ये यहां पे, तो मैं इसे कर रहा हूं 11.6 और इसे 10.8, और यहां पे मेरे पास है 802 और यहां पे मेरे पास है 509, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बस वो करा कि पॉइंट के बाद अब यहां पे एक डेसिमल आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो जहां तक है इग्नोर हो जाएगा। अगर मेरा 1 या 3 में से आया तो आंसर खत्म हो गया, वरना मुझे लास्ट की 3 डिजिट चाहिएंगे, एक एलिमिनेट होगी, बाकी 2 से मुझे आंसर मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे, क्वाइट अ डिफिकल्ट। 16 है, 2 से करूंगा 32, 9 है, 8 से करूंगा 72, इसमें से अगर घटा भी दूं तो ये तो मेरे पास 0 घट गया, 13 में से 7 घटाऊंगा 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, लास्ट में 6 आ रहा है तो इन दोनों में से आंसर होगा, मतलब मुझे 3rd डिजिट भी निकालनी पड़ेगी। ऑल दो मेरे पास जब मैं कर रहा था तो कुछ बचा नहीं था यहाँ पे, लेकिन 3rd डिजिट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 116 लिखूं 3rd डिजिट के लिए, यहाँ पे 8 6 48 और 2 50, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 108 था, लास्ट की 2 डिजिट तो वैसे हमने पूरा सोल्व करके 72 आया, 7 कैरी फॉरवर्ड 7, और यहाँ पे 58 जा 49, तो यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि 0 × 0 तो 0 रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 9 ही रह जाएगा, तो ये आएगा 0, तो लास्ट में 06.0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो। अगला सवाल इसी तरीके का, इतना पैसा 13%, इतना एक साल के बाद दे दिया, तो 2 साल के बाद रिमेनिंग कितना देना होगा, सेम क्वेश्चन हो गया, 2 यूनिट डिजिट सेम है, और बाकी भैया आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये और ये सेम है और ये सेम है, तो अब तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा ना हमें, मतलब पूरा मतलब एक सेकंड लास्ट डिजिट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चारों डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो लास्ट की 0 है ना, ये 13% के हिसाब से 2 साल का 1.26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और ये लास्ट की 3 डिजिट लेता तो 180 होता, लेकिन मैं 518 ले रहा हूं यहां पे, क्यों 518 ले लिया, तो एक 0 हटा के इस पॉइंट को मैं 12.6 कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं अब इसे, मुझे पता है 3 डिजिट तक जाना है, तो जब मैं लिखूंगा तो हैबिट भी ऐसी बनाऊंगा कि जिसमें मुझे आसानी हो मैं उस तरीके से लिखूं, ठीक। अब इसमें से जो घटाने वाली वैल्यू है वो मेरी क्या है, इसे 306 लिख लेता हूं, एक 0 हट जाएगी वहां पे, जब 13% का लिखाऊंगा तो 1.13 आएगा, एक 0 हटेगी तो 11.3,
तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा। अब मैं तीन डिजिट भी लास्ट की इधर निकाल लू, इस निकाल लू, तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा क्योंकि पॉइंट वाली एलिमिनेट होनी चाहिए। तो मेरे पास यहां पे 6 8 जा 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 16 22 26 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 30 38 और 2 40 2 42 ठीक है। तो मेरे पास ये आया 26.8। इधर सोल्व करूंगा 18 6 और 1 7 और 3 9 और 6 15। इसमें से इसे घटाना है तो मेरे पास यहां पे पॉइंट यहां पे आएगा 8 से 8 एलिमिनेट हो गया, 6 से 7 को घटाऊंगा तो 9 आएगा, 1 से 5 को घटाऊंगा तो 6 6 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, यू लर्नड अ लॉट ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में भी बताई है ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चंस में से एक था ये वाला क्वेश्चन। ओनली 3% 3 to 4% लोग जिन्होंने पेपर दिया था वो इस क्वेश्चन को कर पाए थे, और जो तरीका मैंने बताया कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अब नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है सर, डिजिटल सम से भी तो कर सकते हैं आप, डिजिटल सम से भी बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जो इजीली हो सकते हैं। जस्ट बस ये हो कि एग्जाम में 2 ऑप्शन ऐसे ना हो जिनका डिजिटल सम सेम आ जाए। यूनिट डिजिट वाला मेथड हमारा ज्यादा कारगर होता है, क्यों कारगर होता है कि हमें दिख रहा है कि भाई यूनिट डिजिट यहां डिफरेंट है, कितने लास्ट प्लेसेस तक जाना, तो एक बार की में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। कई बार अप्रोक्सीमेशन में पूछ लेता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो यूनिट डिजिट से जब मैं कर रहा हूं तो मान लो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.8 है और मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी होती, तो हो सकता था जब मैं यहां पे अगर एलिमिनेट नहीं होता, मान लो मेरे पास सोल्व कर रहा हूं मैं यूनिट डिजिट से, लास्ट की 3 डिजिट मेरे पास कुछ आई, लास्ट में बचा मेरे पास 6.7, ये मेरा सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बचा रिजल्ट में, तो मेरी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी होगी। आप कहेंगे सर 6.7 तो 7 को रिप्रेजेंट करेगा, तो लास्ट डिजिट 7, तब भी हम अप्रोक्सीमेशन में भी ये काम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगा के अपना, चलें क्या। बाकी डिजिटल सम भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर कहोगे तो मैं डिजिटल सम से भी एक क्वेश्चन बता देता हूं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे डिजिटल सम से। डिजिटल सम में बस रिस्क ये है कि 2 ऑप्शन का सेम हो गया तो दिक्कत हो जाती है। मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको डिजिटल सम से भी करा देता हूं। मेरे पास ये वाली वैल्यू है 141545, 11% की ब्याज दर है तो 1.22 हो गया, इसमें घटाना पड़ेगा मेरे पास 25490 इंटू में 1.11। अगर मैं इसका डिटेल सम निकालता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। डिटेल सम निकालने से पहले पहले इन 4 ऑप्शन का निकाल लेना ठीक है, जिससे कि अगर डिफरेंट हो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, 2 सेम हो गई तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा थोड़ा। चलो 4 5 6 11 15 20 2 5 5 2 10 1 यहां पे कितना आएगा मेरे पास 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 2 3 2 तो माइनस मेरे पास डिजिटल सम में 5 बचा। जब नेगेटिव में जाता है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं 9 को जोड़ देते हैं डिजिटल सम निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास ठीक है, वरना इसे ठीक है। अब किस में डिजिटल सम 4 आ रहा है, आप कहेंगे सर 7 और 3 10 11 15 और 7 22 2 + 2 4 इसमें डिजिटल सम 4 आ रहा है, 9 कट गया 4 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 9 कट गया 4 आ रहा है, और इसमें 6 7 8 12 इसमें 3 आ रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता था इसके हिसाब से, डिजिटल सम के हिसाब से। तो हमने मेहनत भी कर ली पूरी की पूरी, डिजायर्ड आउटपुट भी हमें नहीं मिला क्योंकि रिस्क है ठीक है। हो सकता था हमारा आंसर आ जाता, उस किसी और क्वेश्चन में ट्राई करो तो आ जाए, बट रैंडमली मैंने उठाया, इसमें ट्राई करके देखो क्या पता आ जाए राइट, लेकिन मेहनत बेकार हो गई। लेकिन यूनिट डिजिट से हमें यह पता था कि भाई एग्जैक्टली आंसर मिलेगा, मेहनत बेकार नहीं होगी एटलीस्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आपसे यहीं विदा लूंगा और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यू कैन परचेज दी पेड कोर्स एज वेल, अदरवाइज एंजॉय दी फ्री क्लासेस। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।